हर दिन इस्तेमाल करने वाली चीजों को अभी आप एकदम अलग तरीके में देखने वाले हैं, क्योंकि वो आज चॉकलेट के बने होंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ सपनों में हो सकता है? दारादा की इस वीडियो आपको गलत साबित करके रहेगी। तुम पहले देखो एमा। अरे वाह, यह तो सबसे नया आईफोन है। और यह तो मुझे कुछ पुराने जमाने का मिल गया है। पर इसकी खुशबू तो कमाल की है। ओ, यह चॉकलेट है। उसका तुम मजा लो और मैं यहाँ कुछ लोगों को कॉल करती हूँ। हेलो, इस फोन को क्या हो गया है? मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती हूँ, पर वो भी चॉकलेट का बना है। स्वादिष्ट, ये अभी मैं ही रखूंगी। लेकिन वो मेरा था और तुमने पूरा खा लिया। हमारा खाना कहाँ है? लगता है इस बार मेरा डिश गायब हो गया है। शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यह ट्विक्स शानदार लग रहे हैं। क्या स्वाद है। मेरा इस बार भूखे रहने का कोई इरादा नहीं है। चेल्सी, क्या मुझे एक दोगी? धन्यवाद। अब चलो मैं इस छोटे से टुकड़े को और बड़ा करती हूँ। अब यह हुई ना बात, कितना ज्यादा चॉकलेट। चेल्सी, तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज मुझे भी दो ना। नहीं, कितनी गंदी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना ही होगा। बाय बाय। और अब यह चॉकलेट सिर्फ मेरा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, चॉकलेट भुट्टा। पॉपकॉर्न तो ज्यादा अच्छा होता है। मैं कितनी किस्मत वाली निकली। मुझे थोड़ा अफसोस तो है कि मुझे वो नहीं मिला, पर मैं वही खाऊंगी जो मुझे परोसा गया है। अरे, कितना जल्दी खत्म हो गया। लेकिन मुझे एक योजना बनानी होगी कि और खाना कैसे मिल सकता है। मैं बस इसे मिट्टी में डालकर अच्छे से इसे पानी दे देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना होगा। वो, तुमने तो अपने लिए एक नया मकई का पौधा उगा लिया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तुमने बस इसे थोड़ा पानी दिया था ना? भूकंप! मेरा सीरियल उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मुझे तो अपने डिश से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चॉकलेट चिप्स किसी भी रूप में पसंद है। हाँ, जो भी हो। आशा है कि इसका स्वाद या जैसा दिख रहा है उसे बेहतर हो। मुझे ये सच में पसंद आया। वाह, एक सोने का नेकलेस, यह तो मुझे पहनना ही होगा। मुझे भी यहाँ कुछ मिला है, एक सस्ता प्लास्टिक वाला। पर मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, एक सेकंड में ही यह एकदम चमकेगा। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा लग रहा है। इतना छोटा सा बर्गर, बिल्कुल तुम्हारे वाले जैसा नहीं। लेकिन मुझे जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। मुझे तो पता ही नहीं कि कहां से शुरू करूं। यह कितना बड़ा है। मुझे एक बाइट लेने का बहुत मन है, पर मैं जानती थी कि तुम ना कहोगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी जादुई छड़ी अब फिर मदद करेगी। उफ, मुझे कोई छोटा बेकार सा बर्गर नहीं चाहिए। यह लो। ओह, यह मैंने नहीं देखा। ये तो कमाल के है।
फ्रूटों से बेहतर तो कोला ही होता है। बुरा हुआ, यह तो मेरा है। कितना अजीब रंग है। ओह, यह तो चॉकलेट सॉस है। तब तो यह भी साधारण मेंटोस नहीं होगा। हाँ, जैसा मुझे लगा था। ओह, यह जरूर तुम्हारे ड्रिंक के साथ एकदम अच्छे से जाएंगे। क्या तुम्हें ना कहने के अलावा कुछ आता है? तब फिर यह है तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। यह करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे यह चॉकलेट कैंडी बहुत पसंद है। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हमेशा तुम्हारे डिश बेहतर क्यों होते हैं? इसकी तुलना तो और किसी चीज से नहीं की जा सकती है। इसके अंदर तो कितना कम है, और ये तो बिल्लियों के खाने की तरह लग रहा है। यह आखिरी वाला था, और अब सब खत्म। मुझे अपना कैंडी थोड़ा दो ना अम्मा। कितनी बार मुझसे कुछ मांगोगी? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा? ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। कितने सुंदर बीट्स हैं। ओ हाँ, एकदम कमाल के। मुझे तो लग रहा है कि ये चॉकलेट है। हाँ हाँ, मैं सही थी। आशा है कि मेरा भी ऐसा ही हो। आह, चोट लग गई। ये तो एक असली नेकलेस है। इसका मतलब ये कीमती गहना होगा। ओ, मोतियाँ। वो तो चॉकलेट से बेहतर है। लेकिन ज्यादा खुश मत हो। अब तुम क्या करोगी? यह क्या हुआ? यह टूट कैसे गया? पता नहीं। इससे और बुरे चीज के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। किस्मत बस आज तुम्हारा साथ दे रही है। क्या तुम देख रही हो कि यह स्ट्रॉबेरी कितने ताजे और अच्छे लग रहे हैं? यह और चॉकलेट साथ में बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। एकदम लाजवाब। आशा है कि चॉकलेट से प्याज का स्वाद छिप जाए। नहीं, यह कितना भयानक है। लेकिन मैं अकेले ही इसका सामना नहीं करूंगी। अच्छी गहरी सांस लो एमा। मेरी आंखों से बहुत पानी आ रहा है, मैं कुछ नहीं देख पा रही। यह काम कर गया, और अब तुम मुझे यह लेते हुए नहीं देख पाओगी। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे किया? अब बदला लेने का समय है। प्याज, यह कहां से आया? उसका मजा लो। आपको कौन सी चॉकलेट ट्रीट सबसे मैं खाना चाहती थी, लेकिन मुझे केवल एक पिज्जा मिला है। बड़े अफसोस की बात है। मुझे भी तुम्हारे लिए खेद है, लेकिन कितना अच्छा है कि मेरे पास बहुत पिज्जा है। तुम्हारे पास? तुमने मेरा टावर अब तक नहीं देखा है। देखो, यहाँ कितना सारा पिज्जा है कि आसमान को छू रहा था। लेकिन सबसे पहले वही खाएगा जो सबसे कम भाग्यशाली है, वो है डायना। बस बहुत हो गया मजाक। मैं जानती हूँ कि मैं पहले खाऊंगी, और इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। भले ही मेरे पास केवल एक पिज्जा है, फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट और गर्म है। चीजी स्ट्रेच को तो देखो, कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अरे, अपना कचरा फेंका मत, देख कर फेंको। क्या फर्क पड़ता है? मुख्य बात है कि इसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है। बस वह करना बंद करो, बहुत हुआ। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुमने मेरे ऊपर क्रस्ट फेंका तो तुम्हें भी क्रस्ट ही मिलेगा। तुम बहुत मजाकिया हो, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ नहीं लड़ रहे हो। खैर, मेरा पिज्जा खाने का समय आ गया है। ओ हाँ डायना, तुम बिल्कुल सही थी, पिज्जा अद्भुत है।
आइडिया। मैं जानती हूँ कि इसे सबसे अच्छे से कैसे खाया जा सकता है, इसे एक बरीटो की तरह रोल करके। अब यह सुविधाजनक और स्वादिष्ट दोनों है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि पिज्जा को सबसे तेज कैसे खाते हैं। ये बहुत अच्छा था। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति के मुंह में इतना फिट हो सकता है। बेशक यह हो सकता है। इसके अलावा इस तरह हम लगातार कई पिज्जा खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। अब क्या करें? अब तुम्हारा सारा पिज्जा हमारा हो गया और हम इसका आनंद ले सकते हैं। अरे मेरा पिज्जा कहाँ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उन्हें बेशर्मी से चुराया है। चोर, हम पर चिल्लाओ मत, हम वास्तव में भूखे हैं। आखिरकार वो समय आ गया है जब मैं अपना पिज्जा को खा सकती हूँ। मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। टावर सरल नहीं बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज रह गया। सिर्फ एक टिक टैक, एक कैंडी कैसे खा सकते हैं? मेरे पास एक पूरा डब्बा है। देखो डायना के पास क्या है। हाँ मेरे पास बहुत है। ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये टिक टैक का एक पूरा विशाल पैक है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन लिली पहले खाएगी। मैं जानती हूँ, मेरा टिक टैक कोका कोला के स्वाद का है और मुझे कोला बहुत पसंद है। स्वादिष्ट लेकिन बहुत कम है। मैरी अब तुम्हारी बारी है। अरे मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार हूँ। क्या ये गिर क्यों नहीं रहा है? जल्दी से मेरे मुंह में आओ। मैरी ने अपनी सारी कैंडी गिरा दी। ऐसा कुछ नहीं है, वे मेज पर बिखरे हुए हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाया जा सकता है, मतलब स्ट्रॉ की मदद से। मैं खुश हूँ। बहुत स्वादिष्ट था। डायना अब केवल तुम ही बची हो। हुर्रे, आखिरकार मेरी बारी आ गई। ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ ये स्वादिष्ट है, शायद तुम इसे हमारे साथ साझा कर सकते हो। तुम्हारे पास कितने पैक हैं? साझा करना नहीं, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद ही इसे मजे से खाऊंगी। कितना खाने का मन है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि डायना से कम एक बॉक्स कैसे चुराया जाए। अगर मैं इसके दूसरी तरफ से ले लेती हूँ तो निश्चित रूप से उसका ध्यान नहीं जाएगा। मैरी अपना हाथ अब बढ़ाओ और ये टिक टैक खाओ। अरे तुम्हें ये कहाँ से मिला? ये मेरी कैंडी है। ठीक है तुम्हारे पास एक है, कुछ कैंडी गन फायर के लिए तैयार हो जाओ। ये लो। अरे बस करो, रुको, हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, रुक जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी कैंडी चुराने से क्या होता है। बिल्कुल, वो हम पर कैंडी की बौछार कर रही है, पर ये बहुत स्वादिष्ट गोली है। हम उन्हें अपने मुंह से पकड़ कर खा सकते हैं। ये शानदार आइडिया है। ये लो। मुझे लगता है कि मेरी गोली खत्म हो गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारा तो पेट भर गया। अरे मुझे इतने लहसुन की क्या जरूरत है। मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कम मिला है। तुम लड़कियाँ बहुत बदकिस्मत हो, मुझे तो केवल एक लहसुन मिला है। लेकिन तुम इसे पहले खाओगी तो क्या? मुझे लगता है मैं उससे जल्दी निपट लूंगी। अब मैं सिर्फ इसका छिलका छीलूंगी, नहीं तो इसके साथ खाने में मजा नहीं आएगा। बहुत खूब, छिलने का अच्छा तरीका है। तुम्हें क्या लगता है, अब इसे खाने में मजा आएगा? ओ नहीं, मैं ये नहीं खाना चाहती। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें क्या मदद करेगा? लहसुन प्रेस। इसकी मदद से लहसुन खाना अब इतना खराब नहीं लगेगा। आओ लिली, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और लहसुन को निचोड़ूंगी। जी नहीं, धन्यवाद। अच्छा अपना मुंह खोलो, तुम इसे स्वयं नहीं खोल सकते, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो तुम्हें कैसा लगा? स्वादिष्ट?
क्या तुम्हें लहसुन पसंद आया? नहीं, ये भयंकर है। मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं चखा है। क्या बदबू है, अब हमें भी इसे सूंघना होगा लिली, ताकि तुम्हारे मुंह से कचरे की गंध ना आए, इसलिए ये गम ले लो। ओ धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से गम को मना नहीं करूंगी, ये मदद करता है। अब लगता है मैंने लहसुन नहीं खाया है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम अपना लहसुन खा चुकी हो, और मुझे अभी भी करना है। हालांकि मुझे करने की क्या जरूरत है, ये बहुत सुंदर है। ये बहुत अच्छा होगा कि मैं इसे गले में पहन लूं। नियम के अनुसार तुम्हें इसे खाना होगा, तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रही थी कि हार का विचार काम करेगा और तुम गुस्से में हो डायना, लेकिन मैं अभी भी लहसुन को ऐसे नहीं काटूंगी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। लहसुन को जल्दी और अच्छी तरह से छीलने के लिए मैं इसे ग्लास में डालती हूँ और अच्छी तरह से इसे हिला दूंगी। तब सभी छिलके वही रह जाएंगे और लहसुन सुरक्षित रूप से खाए जा सकते हैं। वाओ, ओ लाला। कम ऑन। छी, हाँ लिली, मैं मानती हूँ लहसुन बहुत खराब है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कचरा पेटी खा लिया हो। और अब कमरे में ऐसी ही महक आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इतनी गंदी गंध से भी जल्दी से कैसे निपटा जा सकता है। एक एयर फ्रेशनर हमारी मदद करेगा। कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक मेरे मुंह से गंध गायब नहीं हो जाती। नहीं तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल, अगर तुम्हारी सांसों से बदबू आ रही है तो तुम्हें इसे फ्रेशनर से स्प्रे करने की जरूरत है। यह लो। ओह, ऐसा लगता है कि एरोसोल खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, गंध भी चली गई है। बिल्कुल कोई गंध नहीं है, हालांकि इसका स्वाद भी लाजवाब है। डायना, अब लहसुन खाने की बारी तुम्हारी है। दोस्तों, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मैं ये पूरा गुच्छा नहीं खा सकती, ये बहुत बड़ी है। नहीं, तुम्हें खाना होगा, खाओ, हमें तुम पर विश्वास है। ओह, आशा है कि मैं बीमार ना पड़ूं। तुम सही कह रही हो, मैं मजबूत हूँ, मैं लहसुन की एक दो कलियां सह सकती हूँ। वाह, वो तो छिलके के साथ खा रही है, बहुत खूब। बस थोड़ा सा बाकी है, मुझे उससे निपटना है। अरे आराम से, छिलका मत फेंको, सीधे हमारे ऊपर आ रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है, अब मुझे केवल इस बात की परवाह है कि मेरे मुंह से कचरे की डब्बे की तरफ बदबू आ रही है। हाँ, गंध भयानक है, लेकिन मुझे पता है कि क्या हमारी मदद कर सकता है। हम इस बदबू के स्रोत को बंद कर दें तो हम कमरे में ही इससे छुटकारा पा लेंगे। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मदद करो, मुझे बचाओ। मुझे आशा है कि वो जिंदा होगी। बेशक वो जिंदा है, वो सिर्फ बदबू की वजह से बेहोश हो गई है। मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ। दारादा पर आप हमेशा ही ऐसी दिलचस्प और मजेदार चुनौतियाँ पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें।